सिर धो लिया था, तेल लगाया था, मालिश करी थी आज तो ही। नए वर्क के सूट। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है एस जी व्लॉग के एक और नए व्लॉग में। हाँ नमस्ते जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो ना? ठीक ही रही हो? मेरा सुबह का वर्कआउट हो गया है, सूर्य नमस्कार मारे हैं आज तो, बढ़ा के मारे हैं, 80 मारे हैं, 10 10 बढ़ा रही हूँ, तो मेरा होता है 110 तक करने का, तो बढ़ ही जाते हैं हर बार, पर पसीना बहुत आया आज। उस दिन कुछ नहीं करती, बस सूर्य नमस्कार ही करया करूँ, जो भी उस दिन करूँ, 80, एक बार फास्ट एक बार स्लो, एक बार फास्ट एक बार स्लो, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो जाए, करके देखो, पर मज़ा आ जाता सारा दिन करके एक्सरसाइज, सुबह एक्टिव रहता है फिर बंदा। जो भी चैनल पर आता है सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। फुल वॉच करो, स्किप करके मत देखा करो। क्यों, रोज़ याद दिलाना पड़ता है ना, स्किप करके मत देखो, फुल वॉच करो। भूल जाते हो जब भी चैनल पर आते हो, भूलना मत करो। आते हैं लाइक, अंगूठे पर क्लिक कर दो, फिर शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बस इतना हा करना है और कुछ नहीं करना। ये सुबह का मेरा रूटीन चला हुआ है। आज मेरा सूर्य नमस्कार का दिन था, मंडे को मैं सूर्य नमस्कार करया करूँ सुबह सुबह। आज बढ़ाए हैं थोड़े हैं, स्टार्टिंग में तो मैं कर लेती थी 110 120, अभी थोड़ा 60 70 से स्टार्ट किए हैं, तो बहुत बढ़िया वर्कआउट है। सूर्य नमस्कार से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं योगा में, वैसे देखा जाए तो मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है। 2 बार करती हूँ मैं वीक में, मंडे को और सैटरडे को, क्यों फिर संडे को रेस्ट कराया करूँ। आधे घंटे में 70 सूर्य नमस्कार करे थे, पूरा पसीना निकल गया था, तो पसीने पसीना खूब हो गई थी। मेरा ये है, अगर मैं कुछ खा लेती हूँ तो फिर अगले दिन मैं उसको निकाल देती हूँ, अपना एक्सरसाइज करके जो कैलरी एक्स्ट्रा लेती हूँ तो वो मैं बर्न कर दिया करूँ अगले दिन। आज इनके दे कितने घूम रहे हैं, एकदम आए हैं और भाग रहे, उड़ रहे हैं। ट्रांसफार्मर जलाया था उससे डर गए बेचारे, एकदम पटाखा बोल रहा था, कैसे आए हैं उठ के। इनका भी बेचारा का बेजुबाना का किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। गोभी चल पड़ी हैं हमारी, गमलों में लगाई हुई हैं छत पे, किचन गार्डनिंग कुछ इस साइड है, 3 4 पौधे। यह हमारा हरी मिर्च का पौधा है, 3 4 तो नीचे हैं, ये एक ऊपर है, छोटी छोटी ही लाल हो गई इसकी, पर तेज़ बहुत है। कुछ बीमारी हो गई थी स्टार्टिंग में, मरोड़िया है, यूँ लगा था ख़त्म हो गया, पर लगने तो लगी। ये फिर मैं नीचे आया नहा धोकर, ना क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आए हुए थे, तो मैं पहले नहा लेती हूँ। दूध में रई लगा दी थी, दूध इतने में बिल जाए बिलोया जाएगा, तो चने भी हुए थे तो चने में भिगो के फ्रिज में रख दिया करूँ, उबाल कर इनको बॉयल करके रख दिया करूँ चने को। चने और मूंग दाल साबुत भिगोई थी उसको स्प्राउट करूँगी, अब इनको बॉयल कर दूँगी मैं। बॉयल करके फिर ठंडे होने के बाद फ्रिज में रख दिया करूँ, जब भी बच्चों को चाट की ज़रूरत हो तो बना के खा लेते हैं। तो ख़त्म हो गए थे, तो स्प्राउट्स और चने और सफ़ेद छोले तीनों ही चीज़ें होती हैं फ्रिज में, मूंग स्प्राउट्स। अब मैं मक्खन निकाल रही हूँ सुबह सुबह, ये भी मेरा काम ही है, सुबह सुबह मेरे हो जाते हैं पांचों उंगली घी में। वो कहते हैं एक चुटकुला भी होता है ना, पांचों उंगली घी में होना, तो मेरी तो रोज ही हो जाती हैं पांचों की पांचों, रोज ही निकालती हूँ मैं ना, तो फिर वह 2 दिन की मलाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर
रही छोटी है तो फिर घूँ घूँ करने लग जाती है, तो इसलिए मैं रोज़ ही निकाल दिया करूँ। ये मूंग जो भिगोई थी मैं रात ने भिगोई थी, अब इनको मैं बांध गया नरिया ही टूटी पे लटका दूँगी, स्प्राउट हो जाऊँगे शाम तक। सुबह बांध दिया करूँ, शाम तक स्प्राउट अच्छी तरह हो जाऊँगे, सही अंकुरित हो जाते हैं ये। दिन में कोई एक बार इनके ऊपर पानी मार दूँगी, उस टूटी के ऊपर बांध देती हूँ जिसमें धोए हुए बर्तन रखती हूँ, दूसरी में तो फिर जूठे बर्तन होते हैं। तो अब मैं सिर में लगाने के लिए तेल बना रही हूँ, कच्चा नारियल है जो मैं पीस लेती हूँ, इसका दूध बना लूँगी थोड़ा पानी डाल के, और 6-7 लहसुन की कलियाँ उनको पीस के और नारियल तेल और मिला दूँगी उसने 10 मिनट के लिए, फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। 10 मिनट फ्रिज में रखे बाद से उसको थोड़ा सा गुनगुना गर्म के लिए छोड़ दूँ, सिर में अच्छी तरह से दो विटामिन ई के कैप्सूल मिला, मेरे तो इससे काफ़ी वैसे दर्द से आने तो बंद हो गए, हाथों से मसाज कर लूँगी तो काफ़ी अच्छा बनाया मेरे से। किसी ने बताया था विटामिन ई के कैप्सूल मिलाए हैं, केरला का कोई आयुर्वेदा जो जड़ से आते थे वो नहीं आते अब, जिस पर जड़ से तो आने बंद हो गए मेरे, मैंने भी किसी का सुना ही था, नहीं तो बहुत केरला का कोई आयुर्वेदाचार्य है, बिल्कुल भी आराम आया था। मैं मसाज लगी थी अपनी करने, और दवाई से दी जब तक खाते रहो जब तक तो चढ़ने बंद, दवाई जैसे ही छोड़ दी फिर चढ़ने स्टार्ट हो गए, बिल्कुल जड़ से आने स्टार्ट हो रहे थे। तो ये और मैं जब से लगाने लगी हूँ, वैसे तो जैसे टूट के आ जाते हैं वो तो अलग बात है, पर जड़ से आने बंद हो रहे हैं इस तेल से, तो 10 मिनट के लिए ही रखना होगा क्योंकि उसमें लहसुन भी लिया हुआ है ना। अगर ज़्यादा जड़ रहे हों तो हफ्ते में एक बार लगा लो, महीने में 4 बार ना 2 बार। हेलो जी, काम सारा हो गया, नारियल धो लिए, सिर में तेल लगा था तो सही, नारियल तेल जो लगाती हूँ नारियल का दूध निकाल के तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट से बाल हो जाते हैं, तो अब काम हो गया तो थोड़ी ग्रीन टी बना लूँ, मेरा ग्रीन टी का टाइम हो रहा है इस टाइम 11:30 बजे, मैं अपनी ग्रीन टी ले आ करो, कोई भी सीजनल फ्रूट, सेब तो मैंने पहले खा ली थी, तो अब देखती हूँ कुछ और पड़ा होगा तो वो काट लेती हूँ, केले तो ख़त्म हो रहे हैं, आज देखेंगे आज ले आएंगे, कल संडे को वैसे मार्केट बंद होती है, लेके नहीं आए थे। काम करके चाय तो मैं पिया नहीं करती, अपनी ग्रीन टी भी आ करूँ इस टाइम, तो ग्रीन टी अपने बना रही हूँ, एक कोई भी फ्रूट अपना सीजनल वो ले लेती हूँ, तो और तो कुछ था नहीं। नाक थे तो हम तो नाक ही बोलते हैं हरियाणवी में इनको, तो यही मैं चल गया ही काट लेती हूँ, तो ग्रीन टी के साथ ये ले लूँगी, 2 ग्रीन टी तो मैं ले लेती हूँ कभी कभार, तो सुबह ले लेती हूँ वो 11 बजे काम करके तो मैं लेती हूँ। सारा काम करके थकान भी उतर जाती है, ग्रीन टी पी के थोड़े फ्रूट खा लें तो एंजॉय, आ जाओ आप भी पी लो, चाय की बजाय ग्रीन टी अच्छी होती है। आज फिर ये 2-4 सूट आए हुए हैं कुछ कढ़ाई के, पैकिंग में है ये हैं कढ़ाई के, उसी ने वर्क किया हुआ है बहन ने, उसी के हैं ये, जैसे कश्मीरी वर्क का है ये बारीक वाला, ये भी बारीक वर्क है।